हेलो एंड वेलकम टू द कंपटीशन क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी सिंपल चैप्टर है क्लास नाइन्थ के जियोग्राफी से आता है एंड दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नेचुरली वेजिटेशन होता क्या है ठीक है वेजिटेशन क्या है और ये नेचुरल क्यों है ठीक है वेजिटेशन तो तुम जानते हो ना जो भी होता है बट नेचुरल इसलिए जो नेचुरली ग्रो होते हैं नेचुरली अवेलेबल हैं एंड वाइल्ड लाइफ है ना वैसे देखा जाए तो हम कोई से भी जानवर घोटो के कहीं पर भी सिचुएटेड कर सकते हैं ना किसी को भी कहीं पर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बट नेचुरली कौन कौन से वेजिटेशन अवेलेबल हैं और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ अवेलेबल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप जानते हो कि इंडिया के अंदर बहुत बहुत डाइवर्सिटी है चाहे वो स्पीशीज में हो चाहे एनिमल स्पीशीज हो चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो एप्रॉक्सिमेटली 47,000 प्लांट्स स्पीशीज इंडिया में अवेलेबल हैं जब और अगर देखें वर्ल्ड का टेंथ प्लेस है हमारे पास में फोर्थ इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी ये थोड़ा सा वन मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वन मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिफ्टीन थाउजेंड फ्लावर प्लांट्स हमारे यहां पर अवेलेबल हैं फिफ्टीन थाउजेंड डिफरेंट प्लांट्स ठीक है फ्लावर्स के और अगर देखा जाए इसके अंदर तो वर्ल्ड का टोटल नंबर सिक्स परसेंट टोटल वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट्स का हमारे पास में है मतलब ये फिफ्टीन थाउजेंड प्लांट स्पीशीज़ सिक्स परसेंट रखता है वर्ल्ड के टोटल प्लांट स्पीशीज़ में हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं ठीक है थीके? और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज़ भी हैं एनिमल में लगभग एटी नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ इन एनिमल्स तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक बहुत ही वाइड बायोडाइवर्सिटी वी हैव हालांकि तुमने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर साइंस में इसको पढ़ा होगा अब ये थ्योरी वाला है बट हाँ कोई बात नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ना ज़रूरी भी है हालांकि ऐसा ही एक और चैप्टर आपको क्लास टेंथ के अंदर भी मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर अगर आप जब रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ठीक है तो लगभग ये जो डेटाज हैं डेटाज़ को याद कर लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें डेटा ही है बस इस चैप्टर में ज़्यादा और कुछ नहीं है यू विल गेट टू नो कितनी सारी स्पीशीज़ हैं कौन सी स्पीशीज का क्या का, मतलब एक तरीके से सिग्निफिकेंस हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो सारी चीज़ें ही इस चैप्टर का एसेंस है इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा नहीं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट उसकी रिपोर्ट 2011 में जो रिलीज हुई उसके हिसाब से भारत के अंदर टोटल इक्कीस परसेंट फॉरेस्ट एरिया है या मैं यूँ कहूँ कि 21.05 परसेंट पर फॉरेस्ट का कवरेज है मतलब पूरे भारत का जो लैंड एरिया है उसके पूरे लगभग 21 परसेंट के आसपास फॉरेस्ट अवेलेबल है बट अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट नेचुरली नहीं बचे हुए हैं हमने बहुत सारे रिजर्वरीज बना दिए हैं ठीक है पार्क्स बना दिए हैं जिसके कारण से ये बचे हुए हैं अदरवाइज तो हम इंसान जो हैं मतलब ह्यूमन का एक रेक्टर होता है ना कि वो ग्रीड होता है उसके अंदर तो ये जो ग्रीड है इस ग्रीड के कारण मैक्सिमम फॉरेस्ट हम खत्म कर चुके हैं चाहे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अभी जो नेचुरल वेजिटेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है क्या चीज नेचुरल वेजिटेशन आखिर क्या बला है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ठीक है देखो भाई यहां पर कहा कि ये उस प्लांट कम्युनिटी को बताता है उस प्लांट कम्युनिटी को बताता है जो नेचुरली ग्रो होती है विदाउट ह्यूमन मतलब ह्यूमन का जो एड है या फिर आप ऐसे कहो ह्यूमन की एक्टिविटी के अलावा मतलब ह्यूमन कोई एक्टिविटी ना करे अपने आप से ये चीजें क्या हो जाए ग्रो होने लगे तो ये क्या होता है उसको क्या कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेशन साथ ही साथ ये ह्यूमन की बहुत लंबे टाइम तक उसके वहां पर ना होने के कारण हुआ हो ठीक है ह्यूमन उसके मतलब उसमें इंटरफेयर ना करे किसी भी तरीके की एक्टिविटी ह्यूमन की उसमें देखने को ना मिले जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं उसी को हम कहते हैं नैचुरल वेजिटेशन ठीक है और इसे आप वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन मतलब जिसको अभी तक आ, मतलब ह्यूमन का उसमें इंटरफेयर नहीं हुआ है अपने आप वो सेल्फ ग्रो हुआ है एंड दे हैव द कैपेबिलिटीज टू ग्रो दैम अपने आप से ही उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं इसीलिए जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं जैसे फूड हुआ या फिर और भी कोई दूसरे वेजिटेशन वो नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं होते क्योंकि जो भी वेजिटेशन है चाहे फ्रूट का हो चाहे क्रॉप का हो ठीक है इसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी जब वो करता है तो वो नेचुरली ग्रो नहीं करते हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं एच वाई वी सीड्स वी यूज तो ऑल सच आर नॉट अ काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वी डज वी डू uh, इसके अंदर ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की प्रेजेंस में मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के साथ में है बट इफ यू आर टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन तो द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट कंडीशन इज ह्यूमन मस्ट नॉट बी देयर इंडिया के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर अब बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं पास्ट ईयर्स में वी हैव सीन लॉड ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी लॉड ऑफ डिफरेंट चेंजेस वी हैव नोटेड कल्टिवेशन लैंड की डिमांड बढ़ती गई है आज इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई है और साथ में माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ गई है अर्बनाइजेशन हो गया है ओवरग्रेजिंग हो गई है और इसके अलावा पुष्पा मूवी देखी होगी है ना उसमें क्या था ह्यूमन जो नेचुरली चीजें अवेलेबल होती है जब उसकी वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो डिमांड है अगर वो बढ़ रही होती है तो उसका इलीगल भी एक तरीके से हम स्मगलिंग कर देते हैं तो पेड़ों को काट के बेच दिया जाने लगा ब्रिटिशर्स ने भी कमी नहीं छोड़ी थी ठीक है तो भैया झुकेगा नहीं तो वो मूवी के अंदर बताया था ना तो वही वाली चीज है द वेजिटेशन कवर कवर ऑफ इंडिया इन अ लार्ज पार्ट ऑफ नो मोर नेचुरल एंड रियल सेंस मतलब आज जो वेजिटेशन हुआ है उसको हमने नेचुरली ऑकर्स के लिए नहीं छोड़ा हमने उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया थ्योरी है ना बहुत ही पका उसी होती है कुछ जगह ऐसी हैं कुछ रीजंस ऐसे हैं आज भी लेकिन जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है नेचुरली फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो रहे हैं इसके अलावा कई आज हम मॉडिफिकेशंस हम देख चुके हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को रिप्लेस हमने कर दिया है और ह्यूमन की जो नीड्स हैं उसके कारण से ये सफ़र कर रहे हैं बट हाँ इफ़ यू विल टॉक अबाउट द कंडीशंस तो नो डाउट आज भी हमारे पास में वाइड वैरायटी ऑफ डिविजन्स और डाइवर्सिटी वी हैव इन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली इफ यू विल टॉक अबाउट द प्लांट्स स्पीशीज एज आई अर्लियर टोल्ड यू प्लांट हो चाहे आपके एनिमल स्पीशीज हों वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन प्लांट्स इन फ्लावर्स एनिमल स्पीशीज एंड नो डाउट इसके अंदर डे बाय डे कोई ना कोई नई स्पीशीज हम ऐड करते ही जाते हैं जुड़ती ही जाती है और बढ़ोतरी हो गई होगी ठीक है अगर मैं नेचर में मिलने वाली चीजों को चीजें तो नहीं कहनी चाहिए जो भी लिविंग बींग्स हैं जो भी लिविंग थिंग्स है उनको हमने डिविजन कर दिया दो पार्ट में एक को कहा फ्लोरा फ्लोरा क्या होता है फ्लोरा टर्म यूज किया जाता है प्लांट स्पीशीज के लिए जबकि जो फोना है दैट इज यूज फॉर द एनिमल ठीक है वो क्या है एनिमल है फ्लोराज एंड फोनाज में वी डिवाइड दीज टू स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लिविंग थिंग्स जो जानवर और हमने इंसानों को नहीं कह रहे हैं होमोसिपियंस होते हैं वो तो जानवरों को और प्लांट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्हीं को हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोराज की देन फिर हम जाएंगे फना पे इसके अलावा कुछ ऐसी भी होती है जो विदेशों से ला के यहाँ पर बसाई गई है जो हमारे यहाँ नहीं होती बाहर से आई है फिर यहाँ पर उसको हमने ग्रो करना शुरू किया है इनको हम एग्जॉटिक कहते हैं और जो ऑलरेडी हमारे यहीं पर थी प्योरली हमारे यहाँ मिलती थी उसको हमने इंडिजीनियस कहा एंडेमिक कहा एंडेमिक या इंडिजीनियस इसके अलावा एग्जॉटिक वो जो बाहर से आता है ठीक है अपन एक्सॉटिक वेजिटेबल्स भी कहते हैं एक्सॉटिक फूड्स भी कहते हैं या फ्रूट्स कहते हैं या जो भी चीजें खाने पीने की है जो बाहर से लाई गई है ये इसीलिए क्योंकि वो बाहर की हमारे यहाँ पर नहीं है और जो प्योरली हमारे यहाँ पर मिलती है उसको हम इंडीजीनियस कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी बात करते हैं क्वेश्चन आता है कि इतना सारा डायवर्सिटी आपको कैसे देखने को मिलता है इतनी डाइवर्सिटी कैसे तो डाइवर्सिटी के पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं ऑलरेडी हमने बताया कि चाहे फ्लोरा हो या फोना हो इसकी डाइवर्सिटी के पीछे कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं या नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन फैक्टर तो कोई होगा ही नहीं जो भी फैक्टर अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे नेचुरल तो देखो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर हैं एक तो सबसे पहला फैक्टर होता है ज़मीन लैंड दूसरा फैक्टर होता है सॉइल तीसरा होता है क्लाइमेट चौथा होता है आपका सनलाइट और पांचवा होता है प्रेसिटिपीजेशन लैंड सॉइल क्लाइमेट सनलाइट प्रेसिटिपेशन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण से फ्लोराज इनफोनाज क्या होते हैं अफेक्टेड होते हैं ठीक है अब सिंपल सी बात ये सारी डाइवर्सिटी अगर बढ़ रही थी अपने आप से तो उसके पीछे तो नेचुरल फैक्टर था अगर घट रही है तो उसके पीछे ह्यूमन फैक्टर है ये बात आप याद रखना चलो पहले तो उन सबको बाद में डिस्कस करेंगे इनको एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लैंड की जमीन की ठीक है तो जो लैंड होती है वो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है इवन वाइल्ड लाइफ को भी करती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी नेचर से मिलने वाली या नेचर की जो लैंड होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कई सारी वेजिटेशन को फर्टिलिटी लेवल होता है उसका फर्टिलिटी लेवल के कारण ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही ग्रो हो जाती है फिर उसके अंदर मिलने वाले जो भी उस लैंड के ऊपर मिलने वाले मिनरल्स हैं उसके भी हाफ पर कई अगर हम इसको रफली देखें तो यहाँ पर चाहे ग्रास लैंड हो चाहे वुड लैंड हो ये डेवलप करते हैं शेल्टर्स और इस शेल्टर के कारण ही बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी यहाँ पर जन्म लेती है बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना जो ज़मीन है उस जमीन के अंदर जो भी मिनरल्स आपको अवेलेबल है उन मिनरल्स के कारण ऑटोमेटिकली वहां पर वेजिटेशन ग्रो होगा और जो भी वेजिटेशन ग्रो हो रहा है उस वेजिटेशन से शेल्टर मिलेगा बहुत सारे जानवरों को ठीक है अब एक और चीज़ जो सोचने वाली है ये जो जमीन होती है इसमें मिनरल अवेलेबल कैसे होते हैं अपने आप से कैसे आ जाते हैं तो भैया जब भी उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है कोई भी ज़मीन जो भी लैंड है तो उसकी क्या पोजिशन सिचुएशन रही है पहले कौन सी प्लेट्स रही है क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई है पहले बहुत ही टाइम पहले तो उसके थ्रू आप बोल सकते हो जैसे वॉल्ने का एक्टिविटीज़ हुई तो वहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी रेड मिलेगी ठीक है या फिर लावा अगर वहाँ पर था तो ब्लैक हो जाएगी तो सॉइल का मिलना अब इस बात पे डिपेंडेंट होता है या इस लैंड का जो भी स्ट्रक्चर होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर पहले क्या पोजीशन रही उसी चीज़ को सॉइल के अंदर भी हम समझ सकते हैं ना कि अलग अलग टाइप की सॉइल क्लास टेंथ वाले वीडियो हमने डाल रखे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स ऑलरेडी वी हैव मेंशन मैं आपको इसका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स का लिंक भी दे दूंगा आप उसमें से भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉक्स में जाके देखना सॉइल का मैंने डिफरेंस बताया है क्या क्या होता है डिफरेंस उसी वीडियो में तो डिफरेंट टाइप की सॉइल डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जैसे सेंडी सॉइल जो होती है डेजर्ट के अंदर कई सारे जो कैक्टस लाइक -like और जो थ्रोनी जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पानी की कम उनको ज़रूरत होती है ठीक है मार्श रीज़न है डेल्टिक रीजन है तो वहां पर उस टाइप के ही वेजिटेशन होंगे जहां पे ज़्यादा पानी की पानी अवेलेबल होगा तो वहां पे उस टाइप का वेजिटेशन अवेलेबल होगा तो चाहे लैंड हो चाहे सॉइल हो दोनों एक जैसे फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाव पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अपने अपने कैरेक्टर के मैच uh, करने वाले प्लांट्स के नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक और फैक्टर हमारे सामने आता है और वो है बेटा टेम्परेचर कितनी आपको कितना आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है ये जो टेम्परेचर होता है दीज मतलब कैन से ये जो बेटा टेम्परेचर है ना इस टेम्परेचर से काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं ठीक है थीके? पहले एक बार इसको एरेस करते हैं और फिर इसको यहाँ लगाते हैं और इसको फिर यहाँ सेट कर देते हैं अब अच्छा लग रहा है ना सर डिज़ाइन मत बनाओ पढ़ाओ पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ा रहे हैं भाई की पढ़ाई देख के आए दिखते हो तुम चलो कोई बात नहीं पढ़ाई की मतलब टाइम पर पढ़ाई होनी चाहिए इतनी बकवास नहीं जितनी होती है चलो कोई नहीं यहां पर देखो टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं अपन टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल टेम्परेचर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है किन के लिए उन सभी वेजिटेशन के लिए जैसे इमेजिन कीजिए कुछ काफ़ी सेंसिटिव प्लांट्स हैं अगर वो आप ऐसे टेम्परेचर में उनको छोड़ देंगे जिस टेम्परेचर में शायद दे कैन नॉट सर्वाइव तो वो प्लांट्स वहां पे कभी ग्रो हो ही नहीं सकते मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है ठीक है बट हां यू मस्ट नो अबाउट इट कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच आर एक्चुअली दे कैन ग्रो दे वो अपने आप से ग्रो कर सकते हैं जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी uh, पर या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता हो तो जहां पर जिस टाइप का प्लांट या टेम्परेचर होगा उसी टाइप के वहां पे प्लांट्स भी नेचुरली ग्रो करेंगे तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिर चाहे उसमें सॉइल भी आप ऐड कर दो उसमें वाटर प्रेस्टिपेशन भी आप ऐड कर दो तो सच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग और हैविंग सच प्लांट्स जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिकेशन के साथ ग्रो होते हैं जैसे यहां पर बताया द स्लोप ऑफ एंड हिमालयाली एरियाज ऑफ पेनासुलर अबाउ द हाइट ऑफ नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टीन मीटर्स लो टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ ऑफकोर्स ऐसा ही होगा हिमालयन रेंज पे चले जाएं माउंटेन्स की हिल्स पे चले जाएं पेनासुलर वाला जो है आप एक किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर 915 हंड्रेड मीटर्स पे आप जब देखेंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है क्यों जमीन पर टेम्परेचर सूरज की रोशनी जो होती सीधी है सीधी पड़ती है सीधी पड़ने से यहाँ गर्मी बढ़ती है और अगर वही चीज़ आप किसी माउंटेन पर अवेलेबल है आप माउंटेन के पीक पर हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर ठंड लगेगी गर्मी आपको नहीं क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी आप पर नहीं पड़ रही होती यहां तो ये एरिया गर्म हो चुका होता है तो पेड़ उचर तो हीट जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी और तुम जानते हो जब हीट ज्यादा होती है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो कम होती है तो बिल्कुल नहीं कर पाते हो क्यों नहीं कर पाते हो कम होने पर क्योंकि तुमने साइंस में पढ़ा है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है एक उसके कारण से वो मतलब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द ग्रोथ इन प्लांट्स तो ऐसे में जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो कैसे वो प्लांट ग्रो करेगा इसलिए यहाँ पे इस तरह के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं अलग अलग मैंने यहाँ पर बताया भी है यहाँ पर मैंने वेजिटेशन जोन बताया है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और एल्पाइन अगर मैं यहाँ पर इनके टेम्परेचर की बात करूँ तो ट्रॉपिकल रीजन में 24 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ठीक है और एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री से ऊपर होता है यहाँ पे कोई फ्रॉस्ट नहीं अवेलेबल होता अगर मैं सब ट्रॉपिकल की बात करूँ तो 17 से 24, टेम्परेट की बात करूं तो सात से, से सत्रह और एल्पाइन बहुत ही रेयर होता है यहां पर सात डिग्री से कम सेल्सियस जो भी होगा वो एल्पाइन काइंड ऑफ ऑफेशन वी कैन मतलब जो, तो जो ट्रॉपिकल रीजन होगा वहां टेम्परेचर आठ अठारह डिग्री से ज्यादा होगा सब ट्रॉपिकल के अंदर 10 से 18 के बीच में होगा टेम्परेट वाले माइनस वन से लेकर माइनस टेन के बीच में और एल्पाइन रीजन में माइनस वन के बीच से हमेशा नीचे ही रहेगा ठीक है यहाँ पे फ्रॉस्ट रेयर होता है कभी कभार फ्रॉस्ट होता है यहाँ स्नो हमेशा गिरती रहती है इस तरह से आपको बताया और सबसे बड़ा नुकसान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे नेक्स्ट के बारे में बात करें और दो फैक्टर्स देख लीजिए लाइक सनलाइट अभी जो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक इससे जुड़ा हुआ है सनलाइट एंड प्रेस्टिपेशन सिंपल से शब्दों में कहूं तो सनलाइट का मतलब क्या सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी आप पर जब पड़ती है तो आप उससे उसे यूज करते हुए क्या करते हैं खाना अपना फूड जो है बनाते हैं नेचुरली फिर याद रखें वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्लांट्स दोज स्पीशीज विच आर एक्चुअली ग्रोइंग देम सेल्फ वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इट ओके तो सनलाइट के थ्रू जो भी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे आपको सनलाइट मिलती है उसके थ्रू जो प्लांटेशन ग्रो कर रहे होते हैं ट इज दिन कॉज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके थ्रू वेजिटेशन अफेक्टेड होता है एंड प्रेसिटिपेशन मतलब चाहे स्नो फॉल हो चाहे रेनफॉल हो चाहे हिलस्टोन हो या फिर कुछ भी रेन नॉर्मल रेन हो जाए उसके कारण से हैवी हो कम हो कैसे भी नॉर्मल हो उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं अफेक्शंस अफेक्ट पड़ता है ठीक है किस पे वेजिटेशन पे ज्यादा बरसात हो रही है तो प्लांट किस तरह का हो गएगा बहुत ही कम बरसात हो रही है तो किस तरह से उगेगा अब देखो कैक्टस है उसको पानी की जरूरत ही नहीं बट आप सोचो कि कैक्टस आप वहां उगाएंगे जहां पे बहुत पानी आता है तो उस तरह का वेजिटेशन है ही नहीं वो कैक्टस बना हुआ इसलिए है कि उस टाइप के एन्वायरमेंट को वो अपने अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट हो सके वहां पानी नहीं था तब तो कैक्टस बना अदरवाइज तो उस पर ही फूल आ रहे होते हालांकि कैक्टस में ही बहुत जगह पर फूल मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज होते हैं उसकी भी और कुछ ऐसे होते हैं जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर खूब बरसात होती है बट वहाँ पे कैक्टस नहीं उगेगा फिर क्यों क्योंकि वो उस टाइप की प्रेसि प्रेसिटिपेशन या फिर आ, मैं बताऊं अगर आप सनलाइट ज़्यादा मिल रही है धूप ज्यादा है गर्मी ज्यादा है तो फिर वहां पे उस टाइप का वेजिटेशन होगा इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है ठीक है चलिए अब हम इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ह्यूमन लाइफ में इस तरह के जो प्लांटेशन हैं या प्लांट्स एंड स्पीशीज हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी तुम जानते होंगे इसके बारे में कोई नई बात मैं बताने वाला नहीं हूं यहां पे जो भी फॉरेस्ट है उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या ह्यूमन लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना इट्स नॉट फोटो हालांकि यहां फोटो लिखना था मुझे कुछ रीजन से चलिए इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पे प्लांट्स का इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंस लिख लो या नहीं भी लिखो तो कोई भी पंगा नहीं है कोई फर्क नहीं पैंता तो फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए फॉरेस्ट के थ्रू हम एनवायरमेंट के अंदर जो भी नेगेटिविटी है पॉल्यूशन है ऑल सच वी कैन कंट्रोल क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट वी कैन इन्हेंस लोकल क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं आप किससे फॉरेस्ट से हर जगह हरियाली है तो आपके पास में हवा जो चलेगी वो बहुत सूदिंग होगी इवन आप जो भी रेनी वाटर रेनी जो क्लाउड्स होते हैं उसको भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ठीक है सो so, आप लोकल क्लाइमेट को अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर पाएंगे आप सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर पाएंगे और जो तेज दहार पानी की भरी है उसको भी आप होल्ड कर पाएंगे बैरियर ही नहीं होगा तो बहुत तेजी से पानी आ रहा है कोई रोकने वाला नहीं है कोई बेरियर नहीं है तो वो अपने आप पानी मिट्टी को बहा के ले जाएगा सॉयल इरोजन होगा लेकिन अगर यहाँ पे मैं बहुत सारे पेड़ लगा दूँ तो पानी उनसे टकराएगा उसका जो स्पीड होगा वो रुकेगा कम होगा इवन सॉयल इरोजन भी नहीं होगा क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े हुए होंगे बच्चों वाली चीज़ तो तुम जानते हो ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है अगर फॉरेस्ट होता है तो उनसे मिलने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली हम ले सकते हैं उनसे जैसे रबर है हम उसको ले पा रहे हैं ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सो so, इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड इससे जुड़ा हुआ होता है कुछ कम्युनिटी तो ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से इस पर ही डिपेंडेंट होती हैं ठीक है थेके? तो उन्हीं कम्युनिटीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह का फिनोमिना ये एक नॉर्मिक सीनैरीज सिनेरी, सीनरीज़ क्रिएट करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लगती हैं हर तरफ अलग अलग सोचिए बड़े बड़े प्लांट्स हैं पेड़ हैं फ्लावर्स हैं हर जगह पर तो बहुत सारी सीनरीज़ देखी होगी ना तुमने पहाड़ अलग अलग पहाड़ झील झरने फॉरेस्ट बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी हुई है जंगल आपने देखा होगा जंगल बुक या फिर जर्नी टू द डिफरेंट फॉरेस्ट या बहुत सारे रॉक की पिक्चर है ना एक बताना मुझे कमेंट करके कौन सी पिक्चर है वो याद नहीं, नहीं मुझे जर्नी जर्नी समथिंग है जर्नी टू द जंगल आई थिंक है ना तो जब उनकी वो जो सीनरीज आप देखते हो तो यू ऑटोमेटिकली यू अट्रैक्ट आप बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब एक ऐसा होता है ना मन को बहुत शांति मिलती है तो वही वाला सिचुएशन है यहाँ देखने को मिलता है तो एक बहुत ही हेल्दी हैपियर जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट करके देते हैं हमें जब पेड़ होते हैं तो ये विंड को टेम्परेचर को और इवन जो रेनफॉल है उसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेते हैं सीधी बरसात आपकी ज़मीन पे जब गिरती है तो सॉइल इरोजन का कारण बनती है वहां पे जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है तुम जानते हो वो बहा के वहां से ले जाती है तो इसलिए पेड़ों का होना जरूरी है साथ ही साथ ह्यूमन को सॉयल एक तरीके से वेजिटेशन के लिए काफ़ी हेल्प करती है जब वो टॉप लेयर उसका हमेशा बचा रहेगा पेड़ है चारों तरफ बचा रहेगा तो ऐसे में ह्यूमन की एक्टिविटीज के लिए काफ़ी उसको हेल्प मिलेगी और वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे शेल्टर मिलेगा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ बहुत सारे डिफरेंट चाहे बर्ड्स में देख लो चाहे आप एनिमल्स में देख लो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से सो so, ये हम जो डिस्कशन हमने किया दैट इज ऑल अबाउट एक जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आपने इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे लग नहीं रहा कि आपको यहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि जनरल से इंट्रोडक्शन था इसमें कुछ स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया नहीं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इको सिस्टम एंड बायोम क्या होता है ये सी देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये इको सिस्टम क्या है बचपन से पढ़ते आ रहे हो बट फिर भी एक तरीके का एक यूनिट होता है कम्युनिटी जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो रहते हैं एक साथ फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया का किस तरह टाइप का वेजिटेशन है किस टाइप के प्लांट्स हैं किस टाइप के एनिमल्स हैं किस टाइप के लोग हैं ठीक है उनका रहन सहन कैसा है किस तरह का एन्वायरमेंट है लाइक क्लाइमेट कैसा है उन सब का एक मिला रूप जो होता है वो इको है ठीक है किस टाइप के एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कैसे उनका लाइफ साइकिल है उन सबको हम मिलाकर ये क्या कहते हैं इकोसिस्टम प्लांट्स का होना ग्रुप में एक अलग तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस का होना ये फिक्स कैरेक्टर है इसका इकोसिस्टम का द नेचर ऑफ द प्लांट इज एन एरिया टू द लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ एट दैट एरिया टू कि यहां पर जिस टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे उसी टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे देखने को और उसी टाइप की मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन होगी मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अगर रेगिस्तान के अंदर हैं तो आपको वहाँ कैक्टस ही मिलेगा नारियल का पेड़ नहीं मिलेगा वहाँ पे या फिर शुगर केन ग्रो नहीं कर पाओगे आप वहां पे ठीक है और जब शुगर केन वहां नहीं है तो उस टाइप के एनिमल्स भी आपको वहां नहीं मिलेंगे उस तरह की स्पीशीज़ भी आपको नहीं मिलेगी जैसे मैं रेगिस्तान के अंदर कैक्टस मेरे को मिल सकता है मुझे बिच्छू वहाँ मिल सकता है मुझे ऊंट मिल सकता है जिसको पानी की कमी हो मतलब पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है एक बार में सफिशेंटली वो अपने पानी को पी लेता है और फिर काफ़ी दिन तक चला लेता है मुझे ऐसा आदमी मुझे वहां पर डॉल्फिन नहीं मिलेगी ना मुझे कोई ऐसा वहां पर एनिमल नहीं मिलेगा जो बहुत ही प्यासा रहता हो मुझे वहाँ उसी टाइप की स्पीशीज़ मिलेंगी उसी टाइप के प्लांट्स मिलेंगे उसी टाइप के, के वहाँ पर मुझे जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ठीक है वो सारे उसी टाइप के होंगे जो उस एरिया को या उस एनवायरमेंट को एब्जॉर्ब मतलब एक तरीके से अडेप्टशन उनके अंदर आ सके ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर बताइए बायोम क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लो बायोम हो सकता है तुम्हारे लिए नया वर्ड हो अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग द डिस्टिंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द बायोम बायोम इंक्लूड्स द बोथ फ्लोराज एंड फोनाज बट इट इज मेनली प्लांट सिस्टम विच आर यूज इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर टू अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वॉटर हीट द वर्ल्ड डिवाइड इंटू फाइव

फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे एक्वेटिक्स ग्रासलैंड्स डेजर्ट्स या टुंड्रास, ठीक है फॉरेस्ट एक्वाटिक ग्रासलैंड्स डेजर्ट या टुंड्रास, अभी क्या है वो तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बट इस तरह का डिविजन्स आपको देखने को मिल सकता है इकोसिस्टम बायोम्स एंड सच मेजर डिफरेंट बायोम्स अवेलेबल इन नेचर टाइप ऑफ वेजिटेशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक एक वेजिटेशन के ऊपर एक एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर वी विल डिस्कस इन डिटेल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी इंपॉर्टेंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए अच्छा एक और चीज़ इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ रहे हैं तो इनको ऐसे पढ़ें कि आपके एन के अंदर जब नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम में अपियर होंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें नोट्स बनाएं खुद के जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो जो चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है उसका स्नैप ले लें उसके नोट्स बनाएं, और वैसे तो नोट्स आपको हम दे ही देंगे बट फिर भी आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स आपके नेक्स्ट ईयर बहुत काम में आने वाले हैं तो इसको थोड़ा सा आप समझें पढ़ें कहीं प्रॉब्लम है तो पूछें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी यू अ नाइस डे